नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज डॉट इन और मेरा नाम है जिज्ञासा। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। तेजस्वी पर जदयू सांसद आरसीपी सिंह का पलटवार, कहा किसानों के बारे में कुछ नहीं जानते तेजस्वी यादव, सरकार सूखे से निपटने के लिए पूरी तरह है तैयार। राज्य में सूखे को लेकर तेजस्वी ने लगाया था आरोप। विशेष राज्य के दर्जे पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, सीएम नीतीश को केंद्र से मांगनी चाहिए आर्थिक मदद, केंद्र ने साफ किया नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। चंद्रबाबू से सीख, अब नीतीश तय करें क्या करना है। बढ़ते अपराध के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर रहा बंद, बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता। सरकार प्रशासन के खिलाफ समर्थकों ने की नारेबाजी, बंद से आम जनता को करना पड़ा कई मुश्किलों का सामना। कल होगी बिहार दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा, पटना के 45 केंद्रों में दो पालियों में चलेगी परीक्षा। सभी केंद्रों पर रहेंगे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। मुख्य परीक्षा में 29,359 अभ्यर्थी होंगे शामिल। राजधानी पटना में गर्मी ने तोड़ा 36 साल का रिकॉर्ड, पटना में 41.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा पारा। 10 साल से जुलाई महीने में नहीं पड़ी इतनी गर्मी, भारी उमस और गर्मी से लोगों को हो रही परेशानी। हाजीपुर रिमांड होम की लड़कियों ने लगाया गंभीर आरोप, कहा परियोजना प्रबंधक पदाधिकारी करते हैं अश्लील हरकत। जांच के लिए पहुंची बाल अधिकारी संरक्षक आयोग की टीम। लड़कियों के आरोप के बाद प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप। मुकेश आशा होंगे पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, वर्तमान न्यायाधीश राजेंद्र मेनन का दिल्ली हुआ तबादला। गुजरात हाईकोर्ट के सीनियर जज हैं मुकेश आर शाह, न्यायमूर्ति शाह पटना हाईकोर्ट के होंगे 41वें चीफ जस्टिस। दीघा रेलवे स्टेशन के पास बस्ती में लगी भीषण आग, घटना को देखते हुए ट्रेन परिचालन भी रोका गया। फायर ब्रिगेड टीम ने मुश्किल से आग पर पाया काबू, आगजनी के कारणों का अब तक नहीं चला है पता। पटना में मां बेटी पर हमला करने वाला युवक फरार, गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़कर भागा नेपाल। आरोपी के दोस्त गौरव ने दी पुलिस को जानकारी, पुलिस ने छापेमारी कर पटना से किया गौरव को गिरफ्तार। शेखपुरा में जेडीयू नेता ने बीडीओ पंकज कुमार को दी धमकी, शौचालय निर्माण के नाम पर बीडीओ से मांगी रंगदारी, 50,000 नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी। मामले में जेडीयू नेता समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां, आप बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए लाइव सीरीज डॉट इन पर। नमस्कार।